संस्कृति युवा संस्था AU बैंक और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर से आयोजित जयपुर मैराथन को राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा सांसद रामचरण बोहरा, फिल्म अभिनेता सोनू सूद, रणविजय और सुरेश मिश्रा ने रविवार को रामनिवास बाग से जयपुर मैराथन के 14वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मैराथन में करीब 1,00,000 लोगों ने दौड़ लगाई। मैराथन के लिए लोग सुबह 3 बजे से ही अल्बर्ट हॉल के गेट पर पहुंचना शुरू हो गए थे। इस मैराथन में दुनिया भर के लोगों ने शिरकत की और अलग अलग श्रेणियों में आयोजित मैराथन में हिस्सा लिया। बहुत से लोगों ने मैराथन में पगड़ी पहनकर भी दौड़ लगाई। युवाओं के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न आयु और वर्ग के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। इस मौके पर सोनू सूद ने कहा कि जयपुर वाले फिटनेस को लेकर अवेयर हैं। कोरोना में हर व्यक्ति को फिट रहने का मैसेज मिल चुका है। यहां 1,00,000 लोगों को दौड़ते हुए देख गर्व का एहसास हो रहा है। मेरा मकसद लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं, लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जोड़ना है। राजस्थान और जयपुर में मेरा खास लगाव रहा है। यहाँ हर बार मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं उसे भुला नहीं पाता। सुबह सुबह आप देखिए 3 बजे 4 बजे 42 किलोमीटर की जो दौड़ है वो लोग ख़त्म भी करके आ चुके हैं। सो आई थिंक बड़ा इंस्पायरिंग है और बड़ा मोटिवेटिंग है और लगता है कि मैं जयपुर इतना फिट क्यों है। और यू नो जितने जयपुर वासी हैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बोलते हैं कि दाल बाटी चूरमा मुझे लगता है काम कर रहे हैं। वैसे तो पूरे देश का प्यार आपको मिलता है लेकिन जयपुर से आपका विशेष लगाव है। कल आप रात को गए थे, पाव भाजी खाकर आए थे, क्या वो पूरा किस्सा आपसे जानना चाहते? मैं एक्चुअली कोविड के दौरान जब लोगों की मदद कर रहे थे तो यहाँ पे एक बलराज जी हैं जो जिन्होंने एक मेरे नाम पर फास्ट फूड सेंटर खोला था और उन्होंने फोटो मुझे भेजा था कि मैंने ऐसा बनाया है। मैंने बोला कि जब जयपुर आऊंगा जरूर। आई थिंक वो वादा पूरा करना जरूरी है, इसलिए वहां पर गया था। आप वादा हमेशा पूरा करते हैं। देश भर में आप देख रहे हैं कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स बहुत हुए थे लेकिन इस देश को एक पॉजिटिव जो इफेक्ट मिला था वो सोनू सूद के रूप में मिला। जिस तरह से आपने लोगों की सेवा की, एक तरह से मदद का पर्यायवाची आप बन गए, क्या कहना चाहेंगे लोगों का, फैंस का जो ये प्यार आपको मिलता है? देखिए मुझे लगता है कि कई बार ईश्वर जो होता है आपको सही गाइड करता है जिंदगी में और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये किरदार जो निभा पाया मैं तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार था और इसमें शायद ऊपर वाला एक डायरेक्टर था जो मुझे गाइड करता रहा। और दुनिया की कोई भी फिल्में आप कर लो, चाहे 500 करोड़ 1,000 करोड़ का धंधा करें, लेकिन जब आप किसी अनजान चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं ज़िंदगी में। मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं यही कहूँगा कि ये जो पकड़ी है मैंने, यू नो दुनिया पकड़ी है हमेशा, उसमें मैं बसा रहूँ बस यही सोच। सर सबसे पहले तो मैं जब भी जयपुर आता हूँ ना यहाँ पर मेरे को मिलता है बहुत प्यार, तो मेरा तो मन करता ही है कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। और हर बारी जब मैं आता हूँ ना बात भी हेल्थ वेलनेस फिटनेस मैराथन इन्हीं के बारे में हो रही होती है। उससे पहले मैं आया था यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिटरेचर फेस्टिवल पे, तो ये सब चीज़ें जब आप सोचो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ के लोग अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छा खाना अच्छा पीना चाहते हैं, वातावरण अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो मुझे हर बार आके दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सफाई है, लोग खुश हैं, सब अपना ख्याल रख रहे हैं। तो अब जब ये मैराथन की बात हुई है तो मैंने कहा कि यार मैं जाके देखना चाहता हूँ कि कितना जोश है। और मतलब बोल रहे थे कि 3 बजे एक रेस शुरू होगी, 3:15 पे शुरू हो गई थी, जब हमें 5:30 बजे आए तो ख़त्म भी हो रही थी कुछ 2-3 लोग, तो दैट्स अमेजिंग। और फिर यहाँ पे एक वो सर थे कुछ इतने, मतलब उनकी एनर्जी देखी आपने, और एज की तो बात ही नहीं करें, और ऐसे ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 500 लोग जिनके मतलब नी रिप्लेसमेंट हो रखे हैं। लोग यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि अरे मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, लोगों के जिनके नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं वो भाग रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको सुनने को मिलती है तो आपको भी जोश आता है, यू ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। और हम लोग फिटनेस की बात करते हैं क्योंकि हम लोग अभी स्पोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन जब मैंने उनको देखा मैंने यार देखो उनकी एज और वो सबसे ऊपर आगे लगे हुए थे, तो दैट्स अमेजिंग मैन। यहाँ पे जोश भी सही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब जो रेस होने वाली है 7:30 बजे जो है उसमें आप देखोगे कि अलग अलग पोशाक में लोग आएंगे, अपने आपको एक्सप्रेस करेंगे, अलग अलग कॉजेज के लिए आएंगे। सो उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखेगा अलग अलग चीज़ों का, सो इट विल बी अमेजिंग।